प्यारे विद्यार्थियों, आज के वीडियो लेक्चर में हम लोग फिफ्थ स्टेट ऑफ मैटर अर्थात बीईसी बोस आइंस्टीन कंडेंसेट के बारे में अध्ययन करेंगे। पिछले वीडियो लेक्चर में हम लोग सॉलिड, लिक्विड, गैस और प्लाज्मा का अध्ययन किए थे। आगे बढ़ने से पहले एक सूचना महत्वपूर्ण आप लोगों के लिए, वैसे विद्यार्थी जो 10th पास किए हैं वे ऑफलाइन पढ़ाई का इंतजार नहीं करें, साइंस एकेडमी परिवार से जुड़े और ऐप के माध्यम से अपनी पढ़ाई स्टार्ट करें। जब ही क्लासेज हम लोगों की खुल जाएगी, कोरोना से मुक्त हो जाएंगे, हम लोग ऑफलाइन पढ़ाई करेंगे। तो अभी आप अपना समय बर्बाद नहीं करें, थोड़ा थोड़ा ही सही, धीरे धीरे ही सही सीखते रहेंगे तो फिर हमें सफलता मिल के ही रहेगी, कोई व्यक्ति आपको रोक नहीं सकता है। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं बेटा बोस आइंस्टीन कंडेंसेट के बारे में, या इसी को हम लोग फिफ्थ स्टेट ऑफ मैटर कहते हैं, द्रव्य की पांचवी अवस्था। ब्रह्मनवम से आप सुनते आए हैं कि एक भारत के बहुत ही मशहूर भौतिक शास्त्री थे एसएन बोस, सत्येंद्रनाथ बोस। 1920 में सत्येंद्रनाथ बोस ने द्रव्य की पांचवी अवस्था से संबंधित कुछ गणनाएं किए, जिसके आधार पर, जिनके रिसर्च पेपर को अल्बर्ट आइंस्टीन ने पढ़ा, इसके आधार पर 1924 और 25 में अल्बर्ट आइंस्टीन ने द्रव्य की पांचवी अवस्था का भविष्यवाणी किया, जिसको हम लोग बीईसी के नाम से जानते हैं। अब इस बीईसी में होता क्या है, जब लो डेंसिटी वाले गैसियस एटम को हम लोग सुपर कूल करते हैं, अत्यधिक ठंडा अर्थात एब्सोल्यूट जीरो तापमान पे, जीरो केल्विन पे या -273 डिग्री सेल्सियस पे, जब उसको हम ठंडा करते हैं तो गैसियस एटम जो होते हैं, गैस के जो एटम होते हैं, अपने एनर्जी को लूज करते हैं और वह एकाकार होने लगते, एक जगह इकट्ठा होने लगते हैं, उनके बीच कोई गैप नहीं होता है और वह सुपर एटम वो कहलाते हैं, वह सुपर एटम कहलाते हैं। और जो द्रव्य की अवस्था बनती है उसको बीईसी कहा जाता है, और बीईसी में जो होते हैं गैसियस एटम के बीच कोई गैप नहीं पाया जाता है। ये तो इससे संबंधित बातें हुई। बीईसी का प्रयोग हमारे दैनिक जीवन में तो नहीं है, परंतु रिसर्च में इसका प्रयोग किया जाता है। इसके प्रमुख उदाहरण सुपर फ्लूइड हो सकते हैं। सुपर फ्लूइड का नाम आप सुने हैं, लिक्विड हीलियम, ठीक है। लिक्विड हीलियम क्या है, जब हीलियम को हम लोग एब्सोल्यूट जीरो तापमान पे, जीरो केल्विन पे, हम लोग जीरो केल्विन पर ठंडा कर देते हैं, तो यह हीलियम जो होते हैं सुपर फ्लूइड का काम करना, इसके अंदर कोई विस्कोसिटी नहीं होती, एक बार उसको हम ऐसे नचा देंगे तो हमेशा के लिए सालों सालों लाखों वर्षों तक नाचता रहेगा, उसमें कोई घर्षण नहीं पाया जाता है। आप सुपर कंडक्टर का नाम सुने होंगे, ये भी बीईसी के ही एग्जाम्पल के कैटेगरी में आ सकते हैं। सुपर कंडक्टर दुनिया में कोई चीज होते नहीं है, इसको बनाया जाता है। जैसे आप 5 केल्विन तापमान पर मरकरी मेटल को हम लोग ला दें तो उसमें बिना प्रतिरोध के विद्युत धारा प्रवाहित होने लगेगा, तो उस चीज को हम लोग कहेंगे सुपर कंडक्टर। आप सुन के आए होंगे कि वैसा पदार्थ जो जिसमें बिना प्रतिरोध के विद्युत धारा का प्रवाह होता है, उसे हम लोग सुपर कंडक्टर के नाम से जानते हैं। 3.7 केल्विन पे एसएन जो होता है तीन, वह सुपर कंडक्टर का काम करने लगता है। वैसे सुपर कंडक्टर क्या है, कंडक्टर क्या है, सेमी कंडक्टर क्या है, फिजिक्स में और 12 के केमिस्ट्री सॉलिड स्टेट में पढ़ना है, वहां हम लोग चर्चा करेंगे। तो कोई पूछे कि बीईसी क्या है, तो आप जवाब दीजिएगा कि लो डेंसिटी वाले गैसियस एटम को अत्यंत निम्न ताप पर जो ठंडा हम कर देते हैं, तो उसके एटम जो होते हैं संघनित होकर एक हो जाते हैं, उनके बीच कोई गैप नहीं होता है, जिसे बीईसी के नाम से जाना जाता है। परंतु भारतीय वैज्ञानिक को कुछ नहीं मिला एसएन बोस को। आपको 1995 में तीन अमेरिकी वैज्ञानिकों ने लैब में बीईसी का निर्माण कर दिया, रुबोडियम के बीईसी का निर्माण कर दिया, आरबी का, ठीक है। इसके बाद जो है उन तीनों वैज्ञानिकों को, अमेरिकन वैज्ञानिक थे, 2001 में भौतिक के क्षेत्र में, फिजिक्स के क्षेत्र में नोबेल प्राइज से सम्मानित किया गया। तो इन तमाम बातों को मैं नोट करवा देता हूं, पहले इसको समझिए कि यह बीईसी बनता कैसे है। ध्यान दीजिएगा, लो डेंसिटी का मतलब होता है हल्के, लो डेंसिटी गैसियस एटम ही होनी चाहिए। अब प्रश्न होता है इसका डेंसिटी कितना होना चाहिए, 1/100,000 टाइम्स लोअर एज नॉर्मल एयर से उसकी डेंसिटी 1/100,000 कम होना
चाहिए। इसको हम लोग क्या कर दें बेटा, सुपर कूल करें, या इसी को कहेंगे अल्ट्रा कूल, अल्ट्रा कूल, अल्ट्रा कूल कहें या अल्ट्रा लो टेम्परेचर कहें, क्या कहें, अल्ट्रा लो टेम्परेचर कह दें, या इसी को हम लोग कहते हैं सुपर कूल कह दें, सुपर कूल, बहुत ज्यादा ठंडा। और मिनिमम तापमान आपको पता है कितना होता है, जीरो केल्विन होता है या -273.15 डिग्री सेल्सियस होता है। इसी को हम लोग परम शून्य ताप कहते हैं, इसी को एब्सोल्यूट जीरो कहते हैं। कभी कभी प्रश्न पूछा जाता है कि केल्विन को निगेटिव में नहीं लिखते हैं, -5 केल्विन, -2 केल्विन नहीं लिख सकते हैं क्या, तो आपका उत्तर होगा कि जीरो केल्विन से कम तापमान संभव नहीं है, इसलिए केल्विन में तापमान कभी ऋणात्मक नहीं हो सकता। जब सुपर कूल करते हैं या अल्ट्रा लो टेम्परेचर पर गैसीय एटम को हम ले जाते हैं, तो क्या होते हैं, ये गैसीय एटम अपनी एनर्जी को लूज करते हैं और क्या करते हैं, वो एक होने लगते हैं, एकाकार होने लगते हैं, जिसको सुपर एटम के नाम से जाना जाता है, और वह नया अवस्था बनता है जिसको हम लोग बीईसी के नाम से जानते हैं, बोस आइंस्टीन कंडेंसेट। बात क्लियर है, इसे बनाओ, इसकी डिफिनेशन में नोट करवाता हूं, इसे नोट कर लेंगे कि 1920 में भारतीय वैज्ञानिक सत्येंद्रनाथ बोस ने द्रव्य की पांचवी अवस्था के बारे में कुछ गणनाएं किए, जिसके आधार पर आइंस्टीन ने द्रव्य की पांचवी अवस्था का भविष्यवाणी किया। अब कोई पूछे कि यह क्या है, तो आप इसको डिफाइन कर सकते हो कि अत्यंत निम्न ताप पर, जीरो केल्विन पे, जिसको एब्सोल्यूट जीरो कहते हैं, अत्यंत निम्न ताप पर कुछ तत्व के गैसीय परमाणु संघनित होकर एकाकार या एक हो जाते हैं, उनके बीच कोई गैप नहीं होता है, जिसको हम लोग सुपर एटम कहते हैं, सुपर एटम कहा जाता है, एक हो जाते हैं, द्रव्य की इस अवस्था को बीईसी कहा जाता है। देखिए इसके बारे में जो सत्येंद्रनाथ बोस ने कैलकुलेशन किया था, उच्च वर्ग में जाइएगा तो फिजिक्स में वो कैलकुलेशन पढ़ना था, कैलकुलेशन रिगार्डिंग फिफ्थ स्टेट ऑफ मैटर बाय एसएन बोस, वो सब आपको पढ़ना है आगे, आपके सिलेबस में इससे अधिक नहीं जानना है। एक बात याद रखिएगा, बीईसी का प्रायोगिक सत्यापन ये दो वैज्ञानिक एसएन बोस और आइंस्टीन साहब नहीं कर पाए, इनका प्रायोगिक सत्यापन, बीईसी का प्रायोगिक सत्यापन 5 जून 1995 को हुआ। दो अमेरिकी साइंटिस्ट जो थे, एरिक कॉर्नेल, कार्ल वीमैन, जो ये दो वैज्ञानिक जो थे, वे क्या किया, रुबिडियम गैसियस एटम का बीईसी बना दिया, 170 नैनो केल्विन पे रुबिडियम के गैसियस एटम को ठंडा करके सबसे पहला, याद रखिएगा, बीईसी किसका बनाया गया, रुबिडियम का बना दिया। उसके बाद वोल्फगैंग कैटरेल नाम का साइंटिस्ट ने सोडियम का बीईसी बनाया, ठीक है, जिसके लिए बीईसी के निर्माण के लिए ही ये तीनों अमेरिकी साइंटिस्ट को, एरिक कॉर्नेल, कार्ल वीमैन और कैटरेल साहब को फिजिक्स के क्षेत्र में 2001 में नोबेल प्राइज से सम्मानित किया गया। लेकिन भारतीय वैज्ञानिक एसएन बोस जो इसके बारे में सोचे, इनकी परिकल्पना थी, अफसोस की है, किसी भी प्राइज से सम्मानित नहीं किया गया, यह दुर्भाग्य ही है। तो हम लोग केमिकल क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर को देखेंगे और यहीं से केमिस्ट्री की शुरुआत होती है। इतनी चीज जो है आप वर्ग नवम में पढ़ के आए होंगे, तो नवम के जितने भी चैप्टर 2-3 हैं आप इस बेसिक में शामिल हो जाएगा, और दसवां का मेटल नॉन मेटल जो है, रिजेक्ट कार्बन एंड इट्स कंपाउंड, सारा चीज जो है इसका डिटेल अध्ययन हम लोग 11th में करेंगे। 11th में डिटेल हर चीज को पढ़ना है, तो कॉपी में आप हेडिंग दे देंगे केमिकल क्लासिफिकेशन, केमिकल क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर, हिंदी जिनको लिखना है लिख सकते हैं, द्रव्य का रासायनिक वर्गीकरण। हम लोग फिजिकल क्लासिफिकेशन देख लिए थे, बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन देख लिए थे, यह तीसरा है केमिकल क्लासिफिकेशन। दुनिया में जितने भी मैटर हैं, जितने भी मैटर हैं, उसको हम लोग दो ही कैटेगरी में बांटते हैं बेटा। एक को कहते हैं प्योर सब्सटेंस, प्योर सब्सटेंस, इसको हिंदी में हम लोग कहते हैं शुद्ध पदार्थ, या इसी को सिंपली हम लोग सब्सटेंस कह सकते हैं। देख रहे हैं कि मैटर का यह एक हिस्सा है पदार्थ, तो सब्सटेंस और मैटर एक चीज नहीं हो सकता है। और दूसरा को कहते हैं बेटा, इसी को कहते हैं हम लोग इम्प्योर सब्सटेंस, इम्प्योर एसयूबी, इम्प्योर सब्सटेंस, हिंदी में कहेंगे अशुद्ध पदार्थ, क्या कहेंगे इसे, अशुद्ध पदार्थ कहेंगे।
और इसी को हम लोग पढ़ के आए हैं मिक्सचर, इसी को मिश्रण कहते हैं हिंदी में, हम लोग इसको मिश्रण कहते हैं। बात क्लियर है। शुद्ध पदार्थ भी बेटा दो प्रकार के हो जाते हैं, ध्यान देना। शुद्ध पदार्थ भी कितने प्रकार के हो जाते हैं? दो प्रकार के। आप पढ़ के आए हैं मैट्रिक में एलिमेंट होते हैं, एलिमेंट्स का हिंदी होता है तत्व, तत्व हो सकते हैं और कंपाउंड्स हो सकते हैं, कंपाउंड्स हो सकते हैं। कंपाउंड्स को हिंदी में हम लोग यौगिक कहते हैं बेटा, क्या कहते हैं? यौगिक कहते हैं। और तत्व को भी हम लोग तीन वर्गों में बांट सकते हैं। आपको पता है कि एलिमेंट जितने 118 एलिमेंट हैं उनको हम तीन वर्गों में बांट सकते हैं। एक को कहते हैं मेटल, तो मेटल की हम लोग प्रॉपर्टी देख लेंगे पढ़ के। यहाँ है मेटल को हिंदी में क्या कहते हैं? धातु। इसको कहते हैं नॉन मेटल। वो तमाम चीज आपको मिल जाएगा जो आप मैट्रिक में नौवां में दसवां में सही ढंग से नहीं पढ़े, आपका एकदम बेसिक मजबूत कर देंगे, नॉन मेटल। और तीसरा को कहते हैं मेटलोवाइड्स। मेटलोवाइड्स को ही हम लोग उपधातु कहते हैं, या इसी को हम लोग छोटू सेमी मेटल के नाम से जानते हैं। सेमी माने आधा, मेटल माने धातु। आधा धातु का गुण हो, आधा अधातु का गुण हो, थमिनिया सांप देखे हो ना गांव में, वही है आधा गेहुआन सांप आधा पानिया सांप। तो तत्व तो कितने प्रकार के होते हैं? तीन प्रकार के होते हैं। 118 एलिमेंट को हम तीन कैटेगरी में बांट सकते हैं। कंपाउंड्स भी छोटू दो प्रकार के प्रमुख होते हैं दुनिया में। एक को कहते हैं हम लोग ऑर्गेनिक कंपाउंड, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, इसको हिंदी में हम लोग कार्बनिक यौगिक कहते हैं। क्या कहते हैं? कार्बनिक यौगिक, कार्बनिक यौगिक कहते हैं। आप जानते हैं कार्बनिक यौगिक कितने ही महत्वपूर्ण है, तो इसके लिए हम अलग से केमिस्ट्री पढ़ेंगे। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हम लोग ऑर्गेनिक कंपाउंड के डिस्कस करेंगे जब पढ़ाएंगे, तो वहां चर्चा करेंगे कि ऑर्गेनिक कंपाउंड क्या है। और इनकी संख्या बहुत ज्यादा है। कार्बन इसका मुख्य एलिमेंट होता है, इसके अलावा भी कुछ अन्य तत्व इसके निर्माण में भाग लेते हैं जिसकी चर्चा करेंगे। इसको प्रयोगशाला में भी बनाया जा सकता है। इसका प्रमुख स्रोत जीवधारी होते हैं, इसलिए उसका नाम पड़ गया ऑर्गेनिक कंपाउंड। ठीक है, बाद में आगे चलकर पता चला कि ऐसी बात नहीं है, इसे लैब में भी बनाया जा सकता है। इन तमाम चीजों का अध्ययन आप मैट्रिक में करके आए हैं। जे बर्गिलियस का जैव शक्ति का सिद्धांत देखे हैं, ओहलर ने यूरिया कैसे बनाया ये देखे होंगे, ठीक है, बर्थलॉट ने मीथेन कैसे बना दिया, तमाम बातों का अध्ययन किए हैं, हम भी चर्चा करेंगे, घबराने की जरूरत नहीं है। और दूसरा हो सकता है बेटा, पहला ही हो सकता है, और दूसरा होता है इनऑर्गेनिक कंपाउंड, इनऑर्गेनिक कंपाउंड, इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स हो सकते हैं, जिसको हम लोग हिंदी में अकार्बनिक यौगिक कहते हैं। हिंदी में क्या कहते हैं? अकार्बनिक यौगिक, अकार्बनिक यौगिक कहते हैं। अब ध्यान दीजिएगा, यौगिक को हम लोग देखे थे कि दुनिया में कोई भी यौगिक हो उसको चाहे तो हम तीन वर्गों में बांट सकते हैं, एसिड, दूसरा बेस, तीसरा साल्ट। ऐसे भी आप मैट्रिक में पढ़ के आए हैं एसिड बेस साल्ट, तो हम इसकी भी चर्चा करेंगे। एसिड क्या है, बेस क्या है, साल्ट क्या है, इनके टाइप्स क्या है, ताकि आगे पढ़ने में आपको सहूलियत हो सके। तो केमिकल प्रॉपर्टीज के आधार पे हम लोग कंपाउंड्स को तीन वर्गों में बांट सकते हैं, अम्ल, भस्म, क्षार। तो इसकी भी चर्चा करेंगे, चूंकि आपका कंसेप्ट बड़ा गड़बड़ है, एसिड में फंस जाते हैं, बेस में फंस जाते हैं, साल्ट में फंस जाते हैं, इनके प्रकार में फंस जाते हैं, एसिड के टाइप्स की आवश्यकता बार बार पड़ेगी कि हाइड्रा एसिड क्या है, ऑक्सी एसिड क्या है, ऑर्गेनिक एसिड क्या है, इन तमाम चीजों की हम चर्चा करेंगे। और मिश्रण को भी छोटू हम लोग दो वर्गों में बांट देते हैं। पहला को कहते हैं होमोजीनियस, होमोजीनियस मिक्सचर, होमोजीनियस मिक्सचर, इसी को हिंदी में कहते हैं समांगी या समांग मिश्रण। क्या कहते हैं बेटा? समांग मिश्रण, इसकी चर्चा हम करेंगे, वर्ग नौवां में सुन के आए हैं। और दूसरा को कहते हैं हेट्रोजीनियस, हेट्रोजीनियस मिक्सचर, हेट्रोजीनियस मिक्सचर, जिसको हम लोग कहते हैं विषमांग, विषमांग मिश्रण, विषमांग या विषमांगी मिश्रण। आप हिंदी टर्मोलॉजी से बेहतर है कि इंग्लिश टर्मोलॉजी को याद रखिए। तो देख रहे हैं कि जितने भी मैटर है उसको मैंने दो वर्गों में बांट दिया है। पहला को प्योर सब्सटेंस, शुद्ध पदार्थ। तो प्रश्न उठता है कि शुद्ध पदार्थ है क्या, और पदार्थ द्रव्य में और पदार्थ में क्या अंतर है? यही देखिए टर्मोलॉजी में अंतर आता है। इसको द्रव्य कहते हैं, इसको पदार्थ कहते हैं।
बोलचाल में भले ही मैटर को हम लोग पदार्थ करने वाला बात है, और दूसरा होता है इनप्योर सब्सटेंस या इसी को मिक्सचर कहते हैं। ये भी दो प्रकार के होते हैं, होमोजेनियस मिश्रण और हेट्रोजेनियस मिश्रण होते हैं। और एलिमेंट तीन प्रकार के हो जाते हैं, मेटल, नॉन मेटल और मेटलॉइड्स। मेटल का हिंदी होता है धातु, नॉन मेटल का अधातु, मेटलॉइड्स का होता है उपधातु। और कंपाउंड को भी हम लोग दो वर्ग में बांटते हैं, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स कहते हैं। इसके केमिकल प्रॉपर्टी के आधार पर इनको एसिड, बेस, साल्ट के कैटेगरी में हम बांट सकते हैं। तो इन तमाम चीजों की चर्चा हम लोग नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में करेंगे। धन्यवाद।